तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई अर्नब और आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले सॉरी यार, इतने टाइम के बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूं। आप सबको रीजन मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। दरअसल मेरा डांस हिमाचल डांस का ना फिनाले आने वाला है, जो कि 6 अगस्त को है। तो उसमें इतना ज्यादा बिजी हो चुका हूं कि जरा सा भी टाइम नहीं लग रहा व्लॉग शूट करने में। तो खैर छोड़ी दोस्तों, लेकिन आज का व्लॉग ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आप सबने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा किससे रिलेटेड है। जी हां, आज मैं ले रहा हूं न्यू पपी। आप सबको पता होगा मेरा जो पुराना लैब्राडोर पपी था ना मैक्स, उसकी डेथ हो चुकी थी 1 महीने पहले। तो मैं एकदम रूठ चुका था कि आज के बाद मैं जिंदगी में कभी पपी नहीं पालूंगा। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया और साथ ही साथ मेरे फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया कि अरे ना पपी ले न्यू शुरुआत कर। फिर मैंने सोचा कि फाइनली मैं डॉग लूंगा। तो आज वो दिन आ चुका है जो कि मैं मतलब अपनी यूट्यूब सैलरी से पपी ले रहा हूँ। खुद की मेहनत की मतलब अर्निंग जो होती है ना, उससे पपी ले रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मतलब सुबह सुबह मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि 5 बजे उठ गया था कि आज पपी आ रहा है और पपी मेरा 4 बजे तक पहुँच जाएगा, क्योंकि पपी आ रहा है जलंधर से। तो 9 बजे वहाँ से निकलेगा ना और 4 बजे तक पहुँच जाएगा। तो वीडियो का ज़रा सा स्किप मत करना, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और आप सबको सरप्राइज भी मिलेगा कौन सी ब्रीड का मैंने पपी लिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी सुबह का समय है और इस समय मैं हूँ पीयूष कैफे में। तो चलिए पीयूष भाई से आपको मिलाते हैं। उससे पहले यहाँ अथर्व भी है। अथर्व, क्या हाल है भाई, इतने टाइम के बाद ब्लॉग में आ रहा है। हेलो तो कर दे भाई, इतना एटीट्यूड में मत खाया कर। नमस्ते अंकल जी, क्या हाल है। नमस्ते। और पीयूष भाई अंदर गाड़ी में बैठे हुए हैं। पीयूष भाई कहाँ चले हो? अच्छा बताओ, क्या सरप्राइज दे रहे हो? दरअसल पीयूष भाई ने मेरे को सुबह बोला था कि कुछ सरप्राइज है। क्या सरप्राइज आज? मतलब पीयूष भाई मेरे को कहीं लेके जा रहे हैं, तो मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस होगा और मेरी ऑडियंस के लिए भी। अच्छी जगह पर। तो यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, जो कि है अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर, चल टेस्ट कर। टेस्ट कर, नीचे कर उसको। किसको टेस्ट कर? टेस्ट तो कर, कैसा है? पहले टेस्ट तो कर पीयूष भाई, आप करो टेस्ट। मगर क्यों? खा देते चांस खा ना खा खा तो सही। हाँ बंद कर उसको। कर दिया, वैसे बंद है। कैसा है? तो अभी के समय मैं आया हूँ भाई स्नूकर खेलने अपने कजन्स के साथ। और ये रहा भाई, एक न्यू कैफे खुला है यहाँ। अक्की भाई बैठे हुए हैं, क्या हाल है अक्की भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। और कैसे चल रहा है कैफे? बढ़िया ब्रो, मतलब बहुत ही सही कैफे। अंदर स्नूकर खेल रहे हैं मेरे कजन्स, देख सकते हो। अथर्व, अंकित भाई और दिनेश भाई स्नूकर खेल रहे हैं। और यह कैफे मतलब यहाँ खाने पीने की अरेंजमेंट भी हो सकती है, मतलब यहाँ। और बाहर की साइड का व्यू जो है ना, मतलब क्या ही बोलूँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है। ये टेबल है जो कि स्लेट्स के ऊपर बनाए हैं। और ये देखो व्यू, ये रक्कड़ रोड में कैफ़े है, घर एंड बार कैफ़े। देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है यहाँ से। और कैफ़े में आप बैठकर बोर भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ गेम्स भी है, जैसे कैरम होगी, स्नूकर हो गए जो कि मेरे कजन्स खेल रहे हैं। और कैफ़े कितना ज़्यादा सुंदर है, आप आगे तक देख सकते हो। 90% ना लकड़ी का बना हुआ है। देखो देखो, इधर उधर इंटरनेशनल मैच में भी शक्ल नहीं होती, डरा हुआ देखो। अथर्व तू प्रिया नहीं है, ओए तू प्रिया नहीं है, ऐसे देख रहा है। सुन एक काम करना। कैसे रहा? हां भाई खुश तो ऐसे हो रहा है, गोल्ड मेडल जीतना है ना इसने। ओपो, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लौंडा। ओए इधर बैठ, ओए इधर आ। कितना सुंदर है यार, कसम से कितना ज्यादा सुंदर है भाई, मतलब मान के कितना सुंदर है यार, कितना सुंदर है। हाँ दिनेश भी पीछे कितना सुंदर है। अब क्या लग रहा है आपको बोल रहा हूँ, और पीछे व्यू उतारो ना कितना ज़्यादा सुंदर है। हाँ दिनेश। ओ अंकु भाई अच्छे से सोचो, आपकी एक्स की फोटो है। अच्छा ऐसा? हाँ हाँ, ओए बीच में। तो चलिए निशाना लगाते और देखते कहाँ लगता है निशाना। तो अब समय है वापस घर चलने का। ये है रक्कड़ रोड और ऊपर की साइड आपको देखने को मिलेगा वो कैफे, घर एंड बार कैफे।
तो अभी शाम के 3 बजे और 4 बजे तक मेरा पपी भी आ जाएगा। अभी मेरा पपी नूरपुर पहुंचा है और मतलब 1 घंटे में आ ही जाएगा। और इस समय ना बहुत तेज बारिश लगी हुई है, इसलिए मैं आया हूँ पल्लू दीदी के कॉलेज में उनको ड्रॉप कराने रूम तक। हेलो पल्लू दीदी, क्या हाल है? ठीक, बस आप बताओ। और मौसम कैसा है? मौसम बाहर देखो बहुत तेज बारिश लगी हुई है, इसलिए मैंने सोचा पल्लू दीदी को ड्रॉप कर देते रूम तक। और ये पल्लू दीदी की फ्रेंड्स भी है। हेलो, क्या क्या नाम है आप पल्लू दीदी, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपनी फ्रेंड्स को? ये मेरी फ्रेंड नीति है और अंजला है, दोनों तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। बहुत सच में? हाँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं बेस्टी की, सच में बहुत बड़ी फैन है। सच में फैन हो ना ऐसे? इसलिए तो आई है, तुमसे मिलने आई। सच में? देखा भाई, मतलब इतनी ज्यादा खुश है। तो पल्लू दीदी, आपको पता है आज मेरी फैमिली में न्यू मेंबर आने वाला है। कौन? मेरा न्यू पपी। मैक्स की डेथ हो गई थी ना, तो मैंने सोचा था कि नया पपी लूंगा। तो यूट्यूब जितनी भी मेरी सैलरी आई ना इस मंथ की, सारी मैंने पपी के लिए मतलब खर्च कर दी। कब मिला? अभी मैं ही नहीं मिला 4 बजे तक आएगा ना वो, जलंधर से आ रहा है। तो कल का मैं वेट कर रहा हूँ उसका, तो आज आने वाला है, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। तो पहले मैं मिलूंगा और मैं अभी ब्रीड नहीं बताऊंगा, सरप्राइज होगा आप सबके लिए, मतलब आपसे मिला दूंगा। दोगे ना पार्टी पक्का? हाँ, कॉलेज में टॉप किया भाई। और ये भी टॉपर है सच में। तो मेरे को तीनों से चाहिए पार्टी, मतलब डन। चलो ठीक है, हाँ फिनाले में तो सब चलेंगे, मतलब पूरा स्पोर्ट होगा। ठीक है, अपने पूरी यूनिवर्सिटी को ले चलना, सबने स्पोर्ट करना है। ओके, तो फाइनली हमारा पपी भी आ चुका है। तो इसके अंदर हमारा पपी, तो अभी नहीं दिखाऊंगा, घर जाके दिखाऊंगा। और यहाँ मेरा फ्रेंड भी है इरफान, क्या हाल है? बस बढ़िया। तो बहुत ज्यादा शोर कर रहा है भाई ये, अंदर ही था ना, तो अभी इसको घर ले जाके जाएंगे, मतलब गाड़ी में खुला छोड़ देंगे इसको, ताकि इसको रिलीफ मिले थोड़ा सा। तो फाइनली हमारा नया पपी आ चुका है हमारे घर में, तो चलिए सबके रिएक्शन देखते हैं। ताई ताऊ, क्या हाल है? देख लो आप, पपी बोला ना मैंने अभी, रुक जाओ रुक जाओ। और देखना, जर्मन शेफर्ड लिया मैंने लॉन्ग कोट में। ये ताई मैंने जलंधर से मंगाया ना, तो इस महीने जितनी भी सैलरी थी सारी मैंने इसके ऊपर खर्च कर दी, क्योंकि मैक्स की डेथ हो गई थी पिछले महीने, तो मैं सोच रहा था नया डॉग लूंगा। ऐसे नहीं करते, तो जर्मन शेफर्ड होते शैतान भी होते बचपन में, बहुत ज्यादा शैतान होते। तो ये रहा भाई मेरा जर्मन शेफर्ड, जो बताई सरप्राइज था। ताऊ आपको कैसे लगा जर्मन शेफर्ड? आपको पसंद है ना? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पहले से जर्मन शेफर्ड है, वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और वो सिंगल कोट में है और ये लॉन्ग कोट में है, डबल से भी आगे का कोट होता है। इसके बाल बहुत ज्यादा बड़े हो गए, तो देखिए वो, देखो देखो अभी से कितनी ज्यादा मस्ती कर रहा है। तो आप सभी डिसाइड करोगे इसका नाम क्या है, मुझे कमेंट करके बताना क्या रखूं इसका नाम। शेर जैसा बनेगा बड़े होके, क्योंकि इसके फादर भी मतलब डॉग शो के विनर थे, एक पंजाब में डॉग शो था वहां के विनर थे। और ये जलंधर से आया है, ओ देखो देखो देखो, ओए ओए 35 डेज का। और ये ताऊ जी, पहले मैं ले रहा था हस्की मैंने डिसाइड कर रखा था, और लास्ट मोमेंट में पता चला कि भाई जर्मन शेफर्ड अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने भैया से पूछा था, पहले हस्की ले रहा था। और हस्की गर्म इलाके मतलब जिस एरिया में अभी रह रहे हैं ना, वो गर्म इलाका है ना, तो उसने पलना भी नहीं था मतलब हस्की ने, तो मैंने सोचा जर्मन शेफर्ड लेते। तो ये पपी मैंने लिया जलंधर से, एक पेट शॉप से जो कि काफी फेमस पेट शॉप है। तो अगर आपको कोई भी पपी लेना ना, तो आपको ये नंबर शो हो रहा होगा, तो आप उनको व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और मेरा सब्सक्राइबर हो गया ना, तो आपको डिस्काउंट भी पड़ेगा, क्योंकि ये पपी मुझे 20,000 रुपीज का पड़ा है, वैसे तो 25 का है ना, और 20,000 का पड़ा है। तो कोई भी मेरा सब्सक्राइबर होगा उसको भी डिस्काउंट में कोई भी पपी मिल जाएगा। इधर आ जा, चप्पल काट रहा है, चप्पल चप्पल चप्पल। तो अब समय है ना हमारे छोटे से दोस्त को ना एक बड़े से दोस्त से मिलाने का। अथर्फ ऊपर लेके जा इसको, लेके चलना तू। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं राइडर के पास। क्या हुआ राइडर नहीं करेगा अटैक? ये देखो 12 साल का हो चुका है, ये हमारा फर्स्ट जर्मन शेफर्ड था, और ये सिंगल कोट में, इनके बाल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और लॉन्ग कोट के बड़े होते हैं। राइडर नो, राइडर नो, राइडर नो, नो राइडर, राइडर नो, राइडर ना थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है, लेकिन काटेगा नहीं राइडर, क्योंकि यार डॉग्स को भी अक्ल होती है कि छोटा सा बच्चा इसको पता है ये क्यों काटेगा यार इसे। बट कुछ टाइम में दोस्त बन ही जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 1-2 मंथ लग जाएंगे, बट ये दोनों दोस्त बन जाएंगे और मैं साथ में दोनों को ना वॉक को लेकर जाऊंगा।